हेलो फ्रेंड्स ऑल ऑफ़ यू गुड मॉर्निंग आई एम धर्मेंद्र सर टुडे डिस्कस सेट तो आज हम लोग सेट में जो बेसिक सेट से रिलेटेड जो सारे पॉइंट थे वो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया कि सेट क्या होता है सेट को कैसे डिनोट करते हैं और सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं उसके बाद राइटिंग ऑफ द सेट मैंने बताया जो दो टाइप के होते हैं एक होता है रूल मेथड एंड दूसरा होता है लिस्टिंग मेथड तो सारे चीज मैंने बता दिया हूँ आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाया तो आज हम लोग टू डे डिस्कर्स अबाउट सेट ऑफ टाइप ऑफ द सेट तो कितने टाइप का सेट होते हैं तो हमारे पास टोटल जो सेट हैं जो चार टाइप का सेट होते हैं कितने होते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेट तो देयर आर फोर टाइप ऑफ द सेट तो पहले सेट हमने लिखा हूँ टाइप ऑफ द सेट पहला है सिंगल सिंगल टोन सेट तो सिंगल टोन सेट के मतलब कि ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा अगर कोई सेट है अगर उसमें सिंगल एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सिंगल टोन सेट अगर मान लीजिए एक होता है नल सेट तो नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा मतलब जीरो एलिमेंट होगा एक होता है फाइनाइट सेट एक होता है इनफाइनाइट सेट तो इस तरह से हमारे पास टोटल फोर टाइप का सेट होते हैं तो हम एक करके सारे सेट को एक्सप्लेन करेंगे ओके तो आइए फर्स्ट है सिंगल सिंगल टोन सेट ओके तो सिंगल टोन मतलब कि उसमें सिंगल एलिमेंट होगा तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे अ सेट अ सेट कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग अ सेट कंसिस्टिंग अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑफ अंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट एलिमेंट इज एलिमेंट होगा एलिमेंट इज इज कॉल्ड इज कॉल्ड सिंगल सिंगल टोन सिंगल टोन सेट सिंगल सिंगल टोन सेट सिंगल टोन सेट द अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन इज सिंगल सिंगल टोन सेट ओके तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लिखेंगे फॉर एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए सेट है हमने बोला था कि सेट को किस ब्रैकेट में डिनोट करेंगे तो सेट को हम बोले थे करली ब्रैकेट में डिनोट करेंगे किस ब्रैकेट में सेट को डिनोट करेंगे तो हम करली ब्रैकेट में सेट को डिनोट करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि वाई such that y, y such that y equal to क्या हो जाएगा? y such that y minus minus 5 equal to zero. y such that y minus 5 equal to zero. तो इसको हम क्या बोलेंगे? y such that y minus 5 इस इस लाइन को हम बोलते हैं such that such that minus 5 equal to zero. तो minus 5 equal to क्या होया? zero. तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि आपको सिंगल टोन सेट है ओके okay? एग्जाम्पल देख लिए अब आते हैं दूसरा सेट होता है मान लो फर्स्ट सेट सेकेंड सेट बोलेंगे नल नल सेट और और टी सेट होता है नॉल और एम टी सेट एम टी सेट नल और एम टी सेट नल मीन्स वैसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसे हम बोलते हैं नल सेट और एम टी सेट का मतलब वही होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसे नल सेट बोलते हैं तो इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो इफ देयर इज इफ यहां लिखेंगे इफ देयर देयर इज नो इफ देयर इज नॉट नॉट इफ देयर इज नॉट नॉट अ सिंगल सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट इफ देयर इज नॉट अल सिंगल एलिमेंट इन द सेट इन इन द सेट इन द सेट इज कॉल्ड इज कॉल्ड क्या इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इफ देयर इज इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट तो इसे क्या कहेंगे सिंगल कोई अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको कहेंगे नल सेट या एम टी सेट इसको नल सेट या सिंगल सेट या थोड़ा और इसमें लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इन द सेट विच इन द सेट विच सटिस्फाई विच सटिस विच सटिस्फाई सेटिस्फाई विच सेटिस्फाई द गि कंडीशन विच सेटिस्फाई द गि कंडीशन गिव एन कंडीशन विच सटिस्फाई द गि कंडीशन गिव एन कंडीशन कंडीशन थोड़ा अच्छा से लिखता हूं गिव एन कंडीशन

एम टी सेट तो इफ देयर इज देर इज नॉट अल एलिमेंट इन द सेटिस्फाई दिवेन कंडीशन और एम टी सेट तो नल और एम टी सेट के आप समझ में आ गए नम टी सेट क्या कहते हैं ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं नल और एम टी सेट और इसे और नल और एम टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय नल और एम टी दिस सेट नल एंड एम टी सेट यहां नोट करके लिख सकते हैं नोट नोट नल और एम टी सेट नॉल और एम टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रजेंटेड बाय करली ब्रेकेट से हम ऐसे लिख सकते हैं करली ब्रेकेट में मीन्स की इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो नल और एम टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रेकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा और इसे सिंबॉल फॉर्म में लिखना है तो और सिमबॉल इसका सिंबॉल क्या होता है फाइव होता है इसका सिंबॉल क्या होता है तो इसको सिंबल फॉर्म में हम बोलते हैं फाइव तो फाइव का फाइव को हम ऐसे डिनोट करते हैं और ब्रेकेट में लिख देंगे फाइव तो ये हो गया नल सेट इसको हम बोलते हैं नल सेट अगर इसका कोई एग्जाम्पल आप ले लेना चाहेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया नल सेट हो गया आइए सेकेंड टाइप के जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट इसे रफ करता हूं पहले सिंगल टर्न को उसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट ए फाइनाइट सेट क्या है थ्री पॉइंट है पॉइंट no, मतलब तीन नंबर का सेट है इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर इस सेट के अंदर का जो भी हम सेट लिखेंगे जिसे हम काउंट कर सकते हैं मींस फाइनाइट के मतलब कि अ सेट कंसिस्टिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म या फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ओके तो हम बोल सकते हैं कि इफ इफ सेट, इफ अ सेट इज अ बोल सकते हैं कि इफ अ सेट इज इफ अ सेट इज इफ़ अ सेट इज अ नल नल भी हो सकता है नल सेट भी एक 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 टाइप का फाइनाइ सेट है क्योंकि उसमें भी क्या होता है कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे हम काउंट कर सकते हैं तो इफ इफ अ सेट इज अ नल सेट नल सेट नल सेट और नल सेट और क्या कर सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड लिमिटेड और क्या बोल सकते हैं लिमिटेड एंड काउंटेबल एंड काउंटेबल एंड काउंटेबल काउंटेबल इज इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट ओकेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट ओके तो हमारे पास अब लास्ट जो होगा वो हमारे पास है थर्ड टाइप का फोर्थ टाइप का सेट है इन फाइनाइट सेट इन फाइनाइट सेट तो इन फाइनाइट सेट क्या होता है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो इन फाइनाइट सेट होते हैं उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं तो इस टाइप के जो सेट होते हैं इनको हम बोलेंगे इन फाइनाइट सेट तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि इफ इफ नंबर इफ नंबर ऑफ of elements if a number of elements are if a number of elements are elements in the set elements in the set in the sets in the set is unlimited is unlimited limited is अनलिमिटेड और, और क्या बोल सकते हैं और अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल इज कॉल्ड इज कॉल्ड इन फाइनाइट सेट इन फाइनाइट इन फाइनाइट सेट ओके तो इनफाइनाइट सेट में क्या होते हैं कि इसमें अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट में क्या होते हैं लिमिटेड और काउंटेबल एलिमेंट होते हैं तो इस तरह से हमारे पास टाइप ऑफ एलिमेंट में टाइप ऑफ सेट में टोटल हमने चार टाइप के सेट होते हैं तो आज मैंने डिस्कस कर दिया और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे ओके बाय थैंक यू